वर्ल्ड बनाने के लिए मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ। पहले मैंने कहा फोर जावास्क्रिप्ट हेलो वर्ल्ड, राइट। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के साथ ना मैं ES6 लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हम जो इस कोर्स में पढ़ेंगे ना वो हम पढ़ेंगे ES6, जो बिल्कुल नई वाली जावास्क्रिप्ट है वो हम पढ़ेंगे इस कोर्स में ना। अच्छा, जावास्क्रिप्ट को चलाने के लिए मेरे पास दो तरीक़े हैं जावास्क्रिप्ट को चलाने के, सही है। तो एक तरीका है ब्राउज़र के अंदर चलता है जावास्क्रिप्ट, और एक तरीका होता है ब्राउज़र से बाहर यानी कि टर्मिनल पे चलता है। तो हमारे कोर्स में ना हम दोनों पढ़ेंगे, सही है, क्योंकि हमें दोनों की ज़रूरत है। हम चैट बॉट बनाने के लिए हमें दोनों चाहिए, ये एक से हम नहीं बना सकते चैट बॉट। अच्छा, तो जो ब्राउज़र के अंदर चलती है ना वो तो जावास्क्रिप्ट, आप सब लोगों को पता बता ही दिया मैंने कि वो क्लिक पे जो काम करवाना होता है उसके लिए हमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत होती है। जो टर्मिनल पे चलती है ना वो सर्वर बनाने के लिए होती है। तो हम सर्वर भी बनाएंगे तो फिर हम वो वाली जावास्क्रिप्ट सर्वर बनाते वक्त पढ़ेंगे। अभी हम पढ़ रहे हैं ब्राउज़र पे जो चलती है वो वाली जावास्क्रिप्ट। अच्छा, ब्राउज़र पे जो जावास्क्रिप्ट चलती है उसके लिए मुझे क्या चाहिए होता है? एक अदद HTML की फ़ाइल चाहिए होती है ना, क्योंकि HTML के साथ मिलके ही रन होती है ये जावास्क्रिप्ट। ये मैंने एक बेसिक HTML लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने H1 मैंने कहा कि हेलो वर्ल्ड ES6 जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अच्छा, ES6 क्या चीज़ है? इसका लेटेस्ट वर्जन है सबसे जावास्क्रिप्ट का ना, ठीक है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट का नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम एक्मा स्क्रिप्ट है, ठीक है। काफ़ी पहले चेंज कर दिया गया था, इनफैक्ट 2010 वगैरह के टाइम पे ही, 2010 से भी पहले बल्कि, लेकिन लोग अभी तक ना जावास्क्रिप्ट के नाम से ही इसको ज़्यादा अच्छे से पहचानते हैं। एक्मा स्क्रिप्ट जो है वो भी पता है लोगों को कि एक्मा स्क्रिप्ट इसी का नाम है, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको जावास्क्रिप्ट ही कॉल करते हैं स्टिल। अच्छा, जावास्क्रिप्ट इसको नाम को चेंज करने का रीज़न शायद ये था कि इनको लीगल नोटिस भेज दिया था सन माइक्रोसिस्टम वालों ने, क्योंकि ये जो नाम है ना जावा और स्क्रिप्ट, ये नाम उनका पेटेंट है ना, सन माइक्रोसिस्टम एक कंपनी है, उनके पास पेटेंट है। तो उन्होंने इनको जो है ना लीगल नोटिस भेज दिया था कि आप हमारा नाम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारा पेटेंट है, तो इसलिए उन्होंने एक्मा स्क्रिप्ट इसका नाम कर दिया ऑफिशियली, ठीक है। तो ऑफिशियली अब ये क्या है? एक्मा स्क्रिप्ट, और इसका लेटेस्ट वर्जन है 6। इससे पहले था ES5 जो कि अब आउट ऑफ डेट हो चुका है। अब आपके पास जो लेटेस्ट वर्जन है वो है ES6, ठीक है। अच्छा, जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए होता है? मुझे एक स्क्रिप्ट का मार्कअप चाहिए होता है, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट में जितनी भी लिखूंगा वो मैं स्क्रिप्ट का ये मार्कअप ओपन और ये क्लोज़ करूंगा, इसके दरमियान में मैं तमाम की तमाम जावा स्क्रिप्ट अपनी लिखूंगा मैं, ठीक है। अच्छा, अब जावा स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए हमें क्या फॉलो करना है? हमें फॉलो करनी है सबसे पहले तो एक बुक, ठीक है। ये एक बुक है स्मार्टर वे, ठीक है। जो जो लोग बुक को फॉलो करना चाहते हैं, जाहिर है आपके पास एक कंटेंट होना चाहिए, एक रेफरेंस होना चाहिए। वैसे तो मैं यहाँ पे शायद ये बुक ना खोलूँ, कभी भी ना खोलूँ मैं ये बुक, मैं तो डायरेक्ट आऊँगा, बताऊँगा आज का ये टॉपिक है और वो मैं पढ़ा दूँगा आपको ना। लेकिन स्टिल आप अगर उसको घर पर दोबारा से पढ़ना चाहें तो ये बुक हम फॉलो करेंगे। ये बुक आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में जो है वो फॉरवर्ड कर दी जाएगी। मोस्ट ऑफ आप ज़्यादातर लोगों के पास होगा ये बुक पहले से, तो आप में से ही कोई फॉरवर्ड कर दीजिएगा प्लीज़। अच्छा, तो ये एक अच्छी बुक है, इसके जो शुरू के 40 चैप्टर्स हैं असल में वो हम मतलब काइंड ऑफ, ये तो हम एग्जैक्टली हम इस सीक्वेंस से नहीं करेंगे, ये इसका सीक्वेंस भी बल्कि मैं आपको बता देता हूँ कि क्या होने वाला है। इसका सीक्वेंस जो है होने वाला है, एक जगह मैंने बना कर रखा हुआ है इसका सीक्वेंस, और वो कौन सी जगह है? वो ये जगह है, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे कवर करेंगे। ये असल में इस बुक के ही 40 चैप्टर्स हैं शुरू के, और उसमें से ये पिक एंड चूज़ करके ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने निकाली हैं, तो ये इसी बुक में से ही हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है जी। तो मैं इसको कर देता हूँ बंद। अच्छा, तो सबसे पहला काम हम क्या सीखने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, कि हमें स्क्रीन पे कोई भी चीज़ प्रिंट करवानी हो तो वो हम कैसे करवाएंगे, ठीक
ठीक है, स्क्रीन के ऊपर कोई भी चीज़ हमें प्रिंट करवानी हो तो हम कहेंगे अलर्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज और हेलो वर्ल्ड ES6 जावास्क्रिप्ट, राइट। तो ये इस तरह से हम जो है ना करवा रहे होंगे। अच्छा, ये कोड अभी शुरू में शायद आपको काफ़ी मुश्किल लग रहा हो, लेकिन ये बहुत आसान कोड है। आप सब लोग अभी इसको अपने हाथ से भी लिखेंगे तो आप सब लोगों को आइडिया हो जाएगा कि ये कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अलर्ट जो ये मैंने लिखा है ये क्या चीज़ है? ये एक कीवर्ड है, ठीक है। ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक एक जैसे आप लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है, जैसे अंग्रेज़ी है या उर्दू है, इसके अंदर आप जब किसी से बात करते हैं तो आप जुमला कहते हैं एक, ठीक है, एक सेंटेंस आप कहते हैं। तो इसी अच्छा, वो सेंटेंस जो है वो किससे मिलके बनता है? वो एक वर्ड से मिलके बनता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ कि क्या कर रहे हो, तो क्या एक वर्ड है, कर रहे हो ये वर्ड्स हैं सारे ना, ये वर्ड से मिलके बनता है पूरा एक जुमला। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर ये कीवर्ड है और ये पूरा जो जुमला बनता है ना, इसको हम कहते हैं सेंटेंस, स्टेटमेंट। पूरा जो सेंटेंस बनता है इसको हम स्टेटमेंट कहते हैं। तो ये कीवर्ड है, हम बहुत सारे कीवर्ड्स मज़ीद पढ़ते रहेंगे। अब तो हमने क्या देखा कि भाई ये स्क्रीन पे प्रिंट करवाने के लिए ऐसे होता है। अच्छा, उसके बाद ये ब्रैकेट ओपन है और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज़ है, ठीक है। अच्छा, उस ब्रैकेट ओपन क्लोज़ के बीच में यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे जो लिखा हुआ है, दिस इज़ कॉल्ड स्ट्रिंग, ठीक है। वैसे तो ये टेक्स्ट है, लेकिन इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर स्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो टेक्स्ट होता है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। स्ट्रिंग की पहचान ये होती है कि उसको डबल कोटेशन से शुरू होता है और डबल कोटेशन पे ही क्लोज होता है, ठीक है। और हेलो वर्ल्ड ये लिखा हुआ है, तो इसका मतलब होता है हेलो वर्ल्ड को एज इट इज़ क्या कर दो, यहाँ पे दे दो, ठीक है। तो और जब मैं इस अलर्ट को ये हेलो वर्ल्ड देता हूँ, तो ये अलर्ट क्या करता है, उसको स्क्रीन पे ऐसे डब्बा बना के डिस्प्ले करवा देता है, ठीक है। और इसको मैंने कंट्रोल एस करके सेव कर लिया है फ़ाइल को, और अब मैंने क्या करना है, इस फाइल को मैंने रन करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फ़ाइल के नाम पे राइट क्लिक करूँगा, राइट क्लिक करके कॉपी पाथ का ऑप्शन आ रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे भी कर सकता हूँ और इधर भी नाम पे क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ पे भी आ रहा होता है ये रहा कॉपी पाथ। और कॉपी पाथ करने के बाद मैंने क्या बोला, मैंने कहा इधर जाओ पेस्ट करो इसको, और देखें आप पेज लोड होते ही जो है ना, ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है स्क्रीन पर आ गया है, ठीक है। जैसे ही पेज लोड हुआ वैसे ही स्क्रीन पे ये लिखा हुआ आ गया। दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ मैं, दोबारा से लिखा हुआ आ गया। तो जितनी बार मेरा पेज लोड होता है उतनी दफ़ा क्या होता है, मेरे पास वो अलर्ट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो अभी इस वक्त कंप्यूटर से लॉगिन है, तो प्लीज़ ये वाला काम जो है ना, जितना मैंने आपको बताया अभी, ये जल्दी से आप कर लें सब लोग, ठीक है। हेलो वर्ल्ड तो बना लिया जावास्क्रिप्ट का, अब हमने आगे इसको बढ़ाना है अपने टॉपिक को, कि आगे हमने क्या करना है। अच्छा, उससे पहले मैं ये करता हूँ कि ज़रा इसको फोल्डर में ना ऑर्गेनाइज़ कर देता हूँ ना, ताकि थोड़ा सा ये मैं जावास्क्रिप्ट का एक एक फोल्डर बना देता हूँ और इसके अंदर इसको मैं मूव करवा देता हूँ, सही है। और उससे पहले मैं HTML CSS का फोल्डर बना के ये जो शुरू की तीनों फाइलें हैं ये इसके अंदर मूव करवा देता हूँ, ताकि बाद में ये ऑर्गेनाइज रहे तो आपको पता चले। तो नाउ वी हैव टू फोल्डर्स, ठीक है। और मैंने कहा कि अब टू वेरिएबल्स, ठीक है जी। तो नाउ वी हैव टू फोल्डर, HTML CSS में तीन हमने क्लासेस की थी, और जावास्क्रिप्ट में अब हमारी ये दो फोल्डर बन चुके हैं अभी। अच्छा, मैं अगले टॉपिक पे मूव करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, कि अब हम अलर्ट को डिस्करेज किया जाता है, अब जो ES6 है उसके अंदर हम यूज़ करते हैं कॉन्सोल डॉट लॉग, ठीक है। कॉन्सोल डॉट लॉग भी सेम काम करता है, लेकिन वो कहाँ पे डिस्प्ले होता है, वो मेन स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं होता है,
क्योंकि हमें इस तरह की जो चीज़ें प्रिंट करवानी होती हैं वो आमतौर पर डेवलपमेंट के दौरान हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसकी, तो हम इस वजह से अब कंसोल डॉट लॉग ज़्यादा यूज़ करते हैं। कंसोल डॉट लॉग जब आप, अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ, इसको मैंने रिफ़्रेश किया, देखो स्क्रीन, ये क्या हुआ, अच्छा हाँ, वो मैंने फोल्डर की जो लोकेशन थी वो चेंज की, तो ये दोबारा से मुझे कॉपी करना पड़ेगा। देखो अब मैंने इसको रिफ़्रेश किया तो स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा, एक्चुअली ये कंसोल पे डिस्प्ले हो रहा है, राइट। ठीक है, अच्छा कंसोल कैसे खुलता है, स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट एलिमेंट का बटन दबाएंगे, और उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसोल लिखा हुआ होगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब मैं जब भी पेज रिफ़्रेश करूँगा तो देखो हेलो वर्ल्ड यहाँ पर लिखा हुआ रहा है, ठीक है, बजाय इसके कि वो मेन स्क्रीन पे लिखा हुआ है, तो ये ज़्यादा इनकरेज्ड है। तो हम अपनी क्लास में ना कंसोल डॉट लॉग ज़्यादा यूज़ करेंगे, हम अलर्ट यूज़ नहीं करेंगे हम। अच्छा तो ये तो हमने हेलो वर्ल्ड रन कर लिया, आई होप कि आप सब लोगों से ये हेलो वर्ल्ड अच्छी तरह चल गया होगा। तो अब हम जो जो हमारा पहला टॉपिक है जावास्क्रिप्ट का, एक्चुअली दैट इज़ वेरिएबल्स, तो हम अब वेरिएबल्स की तरफ चलते हैं कि वेरिएबल्स क्या हैं और किस तरह से इसको जावास्क्रिप्ट में हम कर रहे होते हैं। मैं एक और इंडेक्स की फ़ाइल बना लेता हूँ यहाँ पे, index.html, ठीक है, क्योंकि क्योंकि कोई भी जावास्क्रिप्ट का जो कोड है उसको चलाने के लिए मुझे क्या चाहिए होता है, एक HTML की फ़ाइल चाहिए होती है। तो आप देखें मैंने ये इसको भी, बल्कि मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ लगा देता हूँ, ES6, ठीक है, जावास्क्रिप्ट हम ES6 वाली पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वन हेलो वर्ल्ड इसमें भी एक HTML की फ़ाइल थी, और टू वेरिएबल्स इसमें भी एक HTML की फ़ाइल होने वाली है। अच्छा अब यहाँ पे आके मैंने क्या लिखना है, सबसे पहले बेसिक HTML मुझे चाहिए किसी भी जावास्क्रिप्ट के कोड को लिखने के लिए, तो मैंने एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लिखा और टैब का बटन दबा दिया। मेरे कीबोर्ड में टैब का जो बटन है, एस्केप के बटन से नीचे होता है और कैप्स लॉक के ऊपर होता है, टैब का बटन भी दबा सकता हूँ मैं, या मैं एंटर भी प्रेस कर सकता हूँ, सेम इफेक्ट होगा दोनों का। ठीक है, माउस से क्लिक ना कीजिएगा क्योंकि माउस से क्लिक करने में ना स्लो डाउन होते हो आप। अच्छा अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग लगा देते हैं हम पहले, तो हेडिंग में क्या लिख देता हूँ, ES6 वेरिएबल्स, सही है। अच्छा और इसके बाद अब मैंने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो मैंने कहा स्क्रिप्ट, और इसके अंदर अब मैं जो भी कोड लिखूँगा जावास्क्रिप्ट का, वो इस स्क्रिप्ट के मार्कअप के दरमियान लिखूंगा, ये ओपनिंग मार्कअप और ये क्लोजिंग मार्कअप, या ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग भी कहते हैं इसको, इसके दरमियान में मैं तमाम की तमाम जावास्क्रिप्ट अपनी लिखूंगा। अच्छा ये जो बुक मैंने आपको बताई थी ना स्मार्टर वे वाली, वो बुक असल में लिखी भी है ES5 में ना, वो थोड़ी पुरानी बुक है, आज से शायद 6 8 साल या 10 साल पुरानी बुक है वो, तो उसके अंदर जो है ना जावास्क्रिप्ट ES5 में लिखी हुई है ना, पूरे जो बुक है वो ES5 में, तो हम लेकिन ES5 नहीं पढ़ेंगे इस कोर्स में, हम डायरेक्ट ES6 पढ़ेंगे। अच्छा ES6 की ना कोई अच्छी बुक अभी तक मुझे नज़र नहीं आई है, अगर कोई अच्छी बुक अगर आप में से किसी को नज़र आए तो प्लीज़ बताइएगा, तो हम वो वाली बुक फिर यूज़ कर लेंगे, क्योंकि ये वाली बुक अब आउट ऑफ डेट हो चुकी है। वेल स्टिल ये बुक इस वजह से हम इसको स्टिल फॉलो कर रहे हैं कि ये बुक बहुत अच्छी बुक है ना, इस पर्सपेक्टिव में कि इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया, और शॉर्ट चैप्टर्स हैं इसके, जो इसका एक एक चैप्टर है ना वो एक एक पेज से ज़्यादा का नहीं है। अगर आप, मैं आपको दिखाऊँ स्मार्टर वे, ये मैंने ओपन कर ली बुक, अब आप देखें इसका जो वेरिएबल्स करके जो चैप्टर है वो इसका एक पेज का चैप्टर है जस्ट, ठीक है, नहीं एक पेज का नहीं है, 3 पेज का है, सही है। फिर इसी तरह अलर्ट जो हमने अभी अभी पढ़ा है, अलर्ट का जो पूरा चैप्टर है इसका, हम इसी बुक को ही फॉलो करेंगे, लेकिन हम असल में करेंगे ये कि जो भी, जैसे इन्होंने अलर्ट बताया ना तो कंसोल डॉट लॉग हमने सीख लिया साथ साथ, इसी तरह वेरिएबल्स जो इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, वेरिएबल्स जो है ES5 में इस तरह बनते थे, वार करके बनते थे, ठीक है, वार लिखते थे फिर वेरिएबल का नाम ऐसे। हम इसको जो है ना ES6 वाले तरीके से करेंगे, वो भी हम देख लेते हैं ES6 में कैसे होता है। अच्छा मैंने कहा लेट, ठीक है, ES6 में होता है लेट, लेट नेम इक्वल्स टू मलिक, सही है, ये एक वेरिएबल बन गया। जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल को बनाने का तरीका ये है। अच्छा लेट क्या चीज़ है, लेट कीवर्ड, जैसा कि हमने शुरू में देखा था कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कीवर्ड्स होते हैं, तो लेट कीवर्ड है, उसके बाद जो नेम लिखा हुआ है ये वेरिएबल का नाम है,
इसकी जगह मैं कोई भी नाम और भी लिख सकता हूँ, ठीक है, या यूज़र नेम मे भी ऐसे करके, तो मैं कोई भी नाम रख सकता हूँ अपनी मर्ज़ी का वेरिएबल का ना। अच्छा, फिर इक्वल्स टू लगा के इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू मुझे देनी है वो मैं इसको पास करता हूँ, ठीक है। तो उस वैल्यू को ये क्या करता है, अपने पास स्टोर कर लेता है, ठीक है। अच्छा, तो पहले हम क्या करते थे, जैसे पहले मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग लगाया था यहाँ पे, और कॉन्सोल डॉट लॉग लगा के यहाँ पे मैंने इससे पास किया था मलिक, सही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं कॉन्सोल डॉट लॉग लगा के यूज़र नेम ऐसे करके इसको पास कर सकता हूँ, राइट। मतलब जो एक्चुअल मेरा टेक्स्ट था उसकी जगह पे मैंने वो वेरिएबल पास किया, तो जैसे कि इस वेरिएबल में मैंने एक वैल्यू रखवाई है ना, अब जहाँ पे भी मैं इस वेरिएबल का नाम कॉल करूँगा असल में उसकी वैल्यू उठ कर आ जाएगी वहाँ पे, सही है। तो ये मैंने ये वाला हटा दिया, अब मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो हम इसको चला कर देखते हैं, अगर तो ये सही है कि मतलब इस वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू स्टोर है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, मलिक प्रिंट हो जाना चाहिए इस जगह पे कॉन्सोल डॉट लॉग में। तो मैं इसको कॉपी पाथ कर लेता हूँ, और कॉपी पाथ करने के बाद इसको पेस्ट करता हूँ मैं, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम इन कर लेता हूँ। तो हाँ, ये देखिए आप मलिक यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, और ये बता रहा है कि इंडेक्स डॉट एच टी एम एल लाइन नंबर 19 में ये कोड लिखा हुआ था जिसकी वजह से ये प्रिंट हुआ है, ठीक है। लाइन नंबर 19 का जो कोड था इसकी वजह से प्रिंट हुआ है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और बताता चलूँ साथ साथ, जैसे मैंने कहा कि मैंने कॉन्सोल डॉट लॉग पहले मैं इस तरह करके लिखता था ऐसे ना, पहले मैं ऐसे करके लिखता था मलिक, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, इसको कमेंट कर दिया। कोई मुझे बता सकता है कि कमेंट क्या चीज़ होती है, किसी को आइडिया है कमेंट्स का? थोड़े बहुत मुझे पता है कि आप लोग जो भी लोग क्लास में मौजूद हैं थोड़े बहुत प्रोग्रामिंग का एक्सपीरियंस कुछ लोगों को है, तो प्लीज़ कोई आप में से बताए कि कमेंट क्या होता है। हाँ जी सर, कमेंट ये होता है कि वो चीज़ डिस्प्ले नहीं होती सर, बिल्कुल अगर ऐसे, एग्जीक्यूट करें तो वो डिस्प्ले नहीं होती। बिल्कुल आपने सही जवाब दिया। जो किसी भी कोड को अगर मैं चाहता हूँ कमेंट करने के, ना दो रीज़न हो सकते हैं। नंबर एक रीज़न ये होता है कमेंट करने का कि किसी भी कोड को आप वक्ती तौर पे रोकना चाहते हैं कि ये कोड वक्ती तौर पे बंद हो जाए, ना चले, ठीक है। और दूसरा रीज़न जो होता है क्या कहते हैं कमेंट करने का, वो ये होता है कि जब आप कोई कोड लिख रहे होते हैं ना, तो सम टाइम आप वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे जैसे मैं अब मैंने ये वेरिएबल बनाया, अब मैंने ये वेरिएबल क्यों बनाया, मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ कि दिस वेरिएबल इज क्रिएटेड टू टीच वेरिएबल टॉपिक, राइट। तो मैंने यहाँ पे बता दिया कि यार ये जो वेरिएबल था ना ये क्यों बनाया गया है, वेरिएबल का टॉपिक पढ़ा रहा था मैं कहीं पे, तो मैंने उसके लिए ये वेरिएबल बनाया, तो मैंने ये बात यहाँ पे लिख दी। तो मैं इसको कमेंट करूँगा ना, तो फिर कंप्यूटर इसको एज अ कोड नहीं पढ़ेगा, एज अ जावा स्क्रिप्ट इसको नहीं पढ़ेगा, वो उसको पता चल जाएगा अच्छा ये कुछ ऐसी इसने अपनी मर्ज़ी की बात लिखी है। अगर मैं ये कमेंट हटा दूँ इसमें से, तो आप देखें ये एरर देना शुरू कर देगा कि यार ये आपने वेरिएबल और क्रिएटेड और टीच ये जो लिखा है ये वैलिड जावा स्क्रिप्ट नहीं है, ये इनवैलिड जावा स्क्रिप्ट है, ठीक है। तो मैं डबल स्लैश ऐसे लगा देता हूँ किसी भी लाइन के शुरू में, तो उससे क्या होता है वो पूरी की पूरी लाइन कमेंट हो जाती है, और इसको अब जब ये कोड रन होगा तो इसको एज अ जावा स्क्रिप्ट कोड नहीं पढ़ा जाएगा, उसको इग्नोर किया जाएगा इतनी लाइन को ना, और इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। अच्छा, ये कलर कौन चेंज कर रहा है, ये विजुअल स्टूडियो कोड जो हमारा टेक्स्ट एडिटर है वो हमें ये फैसिलिटी दे रहा है कि ये कलर ऑटोमेटिक इसका ना चेंज करके दिखा रहा है जो कमेंट हुई भी लाइन का, ठीक है। अच्छा, कमेंट आप ये डबल स्लैश हाथ से भी दो लगा सकते हैं, और इसका एक शॉर्टकट भी है कंट्रोल और साथ में फॉरवर्ड स्लैश। तो कंट्रोल को पकड़ के आप करेंगे होल्ड, और फॉरवर्ड स्लैश एक बार दबाया, फॉरवर्ड स्लैश दोबारा दबाया, तो ये इसी से टॉगल होगा, कमेंट अनकमेंट दोनों इसी से होगा, ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश से। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया कि भाई कमेंट और अनकमेंट दोनों जो है वो फॉरवर्ड स्लैश से हो रहा है। अच्छा, उसके बाद मैंने ये बताया था कि कॉन्सोल डॉट लॉग में आप जब, क्योंकि अब मेरे पास वेरिएबल मौजूद है,
वेरिएबल के अंदर एक वैल्यू मौजूद है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग जैसे लिख रहा था, तो अब डायरेक्ट स्ट्रिंग लिखने की बजाय मैं इस वेरिएबल का नाम भी लिख सकता हूँ। तो इस वेरिएबल का नाम जब भी मैं पुकारूंगा, जब भी मैं लिखूंगा, तो इस वेरिएबल में मौजूद जो एक्चुअल वैल्यू है वो यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो जब ये कोड असल में हमारा रन होगा तो होगा क्या, जब ये कोड हमारा रन होगा तो ये वेरिएबल का नाम यहाँ से हट जाएगा और इसकी जगह पे जो भी उस वक्त मौजूद होगी इसके अंदर वैल्यू इस वेरिएबल में, वो यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो ये सब लोगों को समझ आया कि वेरिएबल का नाम जहाँ पे भी लिखेंगे वहाँ पे वेरिएबल का नाम खुद कोई चीज़ नहीं है, वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू वहाँ पर आ जाएगी। ये नाम जो है जब ये कोड रन होगा तो ये नाम हट जाएगा। ठीक है, तो अच्छा इस वक्त इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है वो है मलिक, तो यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाना चाहिए, मलिक प्रिंट हो जाना चाहिए ऑब्वियसली। ठीक है, तो हम ज़रा इसको अब चला के देखते हैं, दोबारा से एक बार रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे मलिक प्रिंट हो गया। अच्छा, अगर मैं इसके अंदर कोई और नाम रख देता, जॉन रखता अगर मैं, ठीक है, जॉन स्मिथ मिसाल के तौर पे, तो अब यहाँ पे क्या प्रिंट होता, रिफ़्रेश किया मैंने तो जॉन स्मिथ प्रिंट हुआ। तो अब हमें वेरिएबल का सबसे पहला फ़ायदा तो नज़र आना शुरू हो गया है, और वो फ़ायदा ये है कि हमें कोड में कोई चेंजेस नहीं करनी पड़ती, वेरिएबल में वैल्यू चेंज होती है तो कोड ऑटोमेटिकली उसी हिसाब से रन होता है मेरा। ठीक है, ऑटोमेटिकली वही वैल्यू प्रिंट होती है जो मेरे कोड में, जो मेरे वेरिएबल में मौजूद है। ठीक है, इस कॉन्सोल को मुझे चेंज नहीं करना पड़ता। अच्छा, ये बात सब लोगों को समझ आ गई। अब आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू एक बार मैंने रखवा दी है उसको मैं चेंज भी कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से मैं इसको जब चाहूँ चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अगली लाइन में आता हूँ, और अगली लाइन में आके मैं क्या बोलता हूँ कि यूज़र नेम इक्वल्स टू रेहान। ठीक है, अच्छा इसमें नोट कीजिएगा आप कि जब मैं वेरिएबल को बना रहा था तो मैंने कीवर्ड लिखा था लेट, और फिर लिखा था वेरिएबल का नाम, और फिर मैंने लिखा था उसके अंदर मौजूद। लेकिन जब मैंने इसको अपडेट किया है, इसी वेरिएबल की वैल्यू को जब मैंने चेंज किया है, तो यहाँ पे मैंने लेट नहीं लिखा। ठीक है, लेट लिखने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अच्छा, अगर मैं लेट लिखूँगा ना तो ये क्या करेगा, इस नाम से दोबारा वेरिएबल बनाने की कोशिश करेगा, जो कि एरर है, क्योंकि इस नाम से तो वेरिएबल पहले से बना हुआ है। तो मैं अगर लेट लगाता हूँ ना जस्ट इन केस यहाँ पे, तो देखें एरर आ जाएगा कि भाई इस नाम से पहले से बना हुआ वेरिएबल आप दोबारा नहीं बना सकते। मैं जस्ट वेरिएबल का नाम लिखूंगा और इक्वल्स टू करके एक नई वैल्यू उसमें पास कर दूंगा, तो वो वैल्यू नई वैल्यू जाके उसमें सेव कर देगा। ठीक है, अच्छा तो पहले ये कोड जावास्क्रिप्ट लाइन बाई लाइन रन होता है, सही है, जो काम पहले लिखा हुआ वो पहले होगा, जो बाद में लिखा हुआ वो बाद में होगा। तो जब ये वाली लाइन चलेगी तो यूज़र नेम के नाम से एक वेरिएबल बना, ठीक है, उसमें एक वैल्यू आ गई, उसके अगली लाइन में फिर आया तो यूज़र नेम की वैल्यू में रेहान रखवा दिया गया। तो रेहान जब गया तो उसने क्या किया, जो पहले से मौजूद वैल्यू थी इसमें उसको रिप्लेस कर दिया, उसको ख़त्म कर दिया और ख़ुद उसकी जगह पे आ गया। अच्छा, फिर जब लाइन नंबर 23 पे मेरा कोड पहुँचेगा तो उस वक्त यूज़र नेम के अंदर क्या वैल्यू मौजूद है, जो लेटेस्ट वैल्यू है ना रेहान, वो मौजूद है, जो पुरानी वैल्यू थी वो तो रिप्लेस हो गई थी। तो अब यहाँ पर रेहान प्रिंट हो जाना चाहिए, रिफ़्रेश किया मैंने तो यहाँ पे रिहान प्रिंट हो गया, राइट। अच्छा, जैसा कि नाम से जाहिर है कि वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल, कोई मुझे बता पाएगा कि अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में वेरिएबल किस चीज़ को कहते हैं, क्योंकि नाम में सारी कहानी छुपी हुई है। अगर आप नाम को गौर से देख लें, नाम को समझ लें आप, तो आप को सारी कहानी समझ में आ जाती है कि ये चल क्या रहा है। ठीक है, तो ज़रा जल्दी से गूगल करें कि वेरिएबल का क्या मतलब है और मुझे ज़रा बताएं। ये ब्रेन स्ट्रोमिंग का क्वेश्चन है, इसमें कोई सही गलत नहीं है, आप जो भी आपके मन में बात है वो आप कह सकते हैं। सर आई थिंक वेरिएशन यानी कि तब्दीली, चेंज होना सर, या चेंज करना। बिल्कुल सही बताया दोस्त ने। अच्छा, और कोई बताना चाहेगा? अच्छा, इन्होंने बोला कि वेरी करना किसी चीज़ का, तो ये असल में ना दो, ये पूरा जो वर्ड है ये दो हिस्से हैं इसके। एक है वेरी, वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ का ऊपर या नीचे जाना, वेरिएशन से निकला है वर्ड वेरी ना, तो ये वेरिएशन को वो डोनेट कर रहा है वेरी। अच्छा, वेरी और एबल, एबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ के काबिल होना ना, तो वेरी करने के काबिल है ये, इसकी एक कैपेबिलिटी है कि ये वेरी कर सकता है। ठीक है, इसको वेरिएबल इस वजह से कहते हैं कि ये
अपने आप को वेरी करने की काबिलियत रखता है। मिसाल के तौर पे वेरिएबल हमारे रियल लाइफ की कोई एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे ये मेरे सामने फ़ैन का स्विच लगा हुआ है, तो इसमें ना एक घुमाने वाला एक वो है जिसको आमतौर पर डिमर कहते हैं, लेकिन असल में वो वेरिएशन वेरिएबल है वो, सही है। तो मैं उससे कम भी कर देता हूँ, ज़्यादा भी कर देता हूँ स्पीड को। अच्छा, तो लेकिन एक वक्त में वो स्पीड एक ही रहती है। मिसाल के तौर पर मैंने उसको सेट किया 1 पे स्पीड को, तो वो 1 पे रहेगा, वो खुद से 2 पे नहीं जाएगा, ठीक है। फिर मैं उसको चेंज करूँगा, मैंने 2 पे कर दिया तो वो 2 पे हो गया। तो एट अ गिवन टाइम उसके अंदर एक वैल्यू मौजूद होती है, ठीक है, दो वैल्यू नहीं हो सकती, एक वैल्यू मौजूद होती है, और वो वैल्यू कम या ज़्यादा इन फ्यूचर हो सकती है, ठीक है। तो वेरिएबल के साथ भी बिल्कुल यही केस है कि इस वेरिएबल में एट अ गिवन टाइम एक वैल्यू मौजूद होती है और इन फ्यूचर ये वैल्यू चेंज हो सकती है, ठीक है, ऊपर या नीचे हो सकती है। तो इस वजह से ये वेरिएबल इसको बोला जाता है। और आप हमेशा ये नोट कीजिएगा कि आप नाम को अगर थोड़ा सा गौर कर लें तो आपको सारी कहानी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अच्छा, फिर यहाँ पे मैंने ना पहले वेरिएबल बनाया, उसके अंदर एक नाम रखा मैंने, पहले शुरू में रखा था एक और नाम, फिर बाद में चेंज कर दिया, फिर यहाँ पे आके मैंने इसको दोबारा चेंज कर दिया। मैंने कहा यूज़र नेम इक्वल्स टू 24, सही है। और अब मैंने इसको कॉन्सोल करवाया, ओ, अब मैंने इसको कॉन्सोल करवाया यहाँ पे यूज़र नेम को। तो अब ये क्या करेगा, अब ये 24 प्रिंट करेगा, क्योंकि जब लाइन नंबर 28 में जब मेरा कोड पहुँचा है तो उस वक्त तक इस वेरिएबल की वैल्यू चेंज होकर 24 हो चुकी है, सही है। इसको मैंने रिफ़्रेश किया तो ये देखें 24 यहाँ पे लिखा हुआ आ गया, ठीक है। लाइन नंबर 23 से जो प्रिंट आया है उसमें रेहान है, और लाइन नंबर 28 में जो प्रिंट आया है उसमें 24 प्रिंट हुआ है, ठीक है। ये दोनों आप देख सकते हैं यहाँ पे, साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है ये कहाँ से प्रिंट हुआ है। अच्छा, तो हमने ये देखा कि ये वेरिएबल की जो वैल्यू है ये क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, और जितनी बार मैं इसको चेंज करना चाहूँ उतनी बार मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, दैट इज़ नो प्रॉब्लम। अच्छा, अब ज़रा हम एक दफ़ा बुक में आके ना थोड़ा सा देख लेते हैं कि बुक में वेरिएबल के बारे में ये क्या बात बता रहे हैं। अच्छा, ये वो सारी चीज़ें हैं जो हम अभी पढ़ चुके हैं, ये वही सब कुछ लिखा हुआ है। मैं जस्ट ये देख रहा हूँ कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो मैंने मिस कर दी हो इसमें। अच्छा, एक तो वेरिएबल था टेक्स्ट के लिए, स्ट्रिंग के लिए, एक वेरिएबल होता है नंबर के लिए, ठीक है। नंबर भी आप वेरिएबल में इजीली सेव करवा सकते हैं, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे वेरिएबल में 24 रखा, तो ये मैंने असल में एक नंबर रखवा दिया वेरिएबल में, ठीक है। तो नंबर भी इजीली आप इसमें रखवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, नंबर को आप इस तरह करके भी रखवा सकते हैं कि भाई एक अपने वेरिएबल बनाया उसमें 23 रखा, फिर एक दूसरा वेरिएबल बनाया न्यू नम के नाम से और किसी वेरिएबल के साथ प्लस करवा के रखवा दिया। तो अब यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, इस जगह पे ये ओरिजिनल नम जो था, मैंने जैसा कि पहले बताया कि वेरिएबल का नाम जहाँ भी लिखा हुआ होता है वहाँ पे क्या होता है, जब कोड रन होता है तो वेरिएबल का नाम हट जाता है, वेरिएबल की वैल्यू आ जाती है। तो यहाँ पे एक्चुअली 23 आ जाएगा, तो 23 और प्लस 7, तो ये 23 प्लस 7 का जो भी रिज़ल्ट होगा वो न्यू नम के अंदर जाके सेव हो जाएगा, ठीक है। तो 23 प्लस 7 एक्चुअली 30 होगा, तो 30 यहाँ पे न्यू नम में जाके सेव हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ये एक इन्होंने तरीका बताया, वेरिएशन बताई है। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, एक ओरिजिनल नाम है एक नाम टू बी एडेड है, कोई भी नाम रख सकते हैं आप, और एक तीसरा वेरिएबल बना के ना इन दोनों को प्लस करके इसके अंदर रखवा दिया आपने, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ वेरिएशंस हो सकती हैं एक एक वेरिएबल को सेव करवाने के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि यार वेरिएबल का जो नाम है ना वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। वेल, ये अभी अगले अगले चैप्टर में ये डिटेल में आया है, वेरिएबल नेम लीगल एंड इलीगल, सही है। ये कौन नाम, मैंने तो बता दिया कि यार अपनी मर्ज़ी का कोई भी नाम रख सकते हैं, ये तो मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि यार अभी मैंने यहाँ पे रखा है यूज़र नेम, बट इसमें भी कोई ना कोई लिमिटेशन होनी चाहिए कि भाई क्या लिमिट है नाम को रखने की ना, तो किस किस्म का नाम रख सकते हैं और किस किस्म का नाम नहीं रख सकते। तो इन्होंने बोला कि यू हैव ऑलरेडी लर्न 3 रूल्स अबाउट नेमिंग अ वेरिएबल, ये पिछले चैप्टर में जो था कि नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। कोई बंदा ज्वाइन हो रहा है क्या हमारे पास?
डिनर है। सही है, इनको ज़रा ग्रुप में बता दें कोई कि ज्वाइन होने का तरीका क्या है। ज्वाइन होने का तरीका ये है कि आप जाएंगे, आपके पास ईमेल आई हुई होगी, उस पर यस क्लिक करेंगे और आप ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएंगे। अच्छा, तो थ्री रूल्स कह रहा है, पहले से ही पता है आपको। नंबर एक क्या है कि यू कैन नॉट इनक्लोज इन कोटेशन मार्क, ठीक है। वेरिएबल के नाम को आप, जैसे वेरिएबल का ये नाम है ना, इसको आप कोटेशन में नहीं कर सकते। अगर कोटेशन में करेंगे तो कोटेशन तो होती है स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये वेरिएबल के नाम में कभी भी आप इस तरह नहीं करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से ये बनाते हुए भी आप अगर कोटेशन नहीं लगा सकते, इसके अंदर ना एरर है ये, ठीक है। यहाँ पे नाम के बीच में भी कोटेशन नहीं लगा सकते, इस एरर, ये सब ये एरर है, कोटेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते आप इसमें, ठीक है। क्योंकि कोटेशन जो है वो स्ट्रिंग के लिए रिजर्व है, तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा वेरिएबल का नाम है और कौन सा स्ट्रिंग है। द नेम कैन नॉट बी अ नंबर, ठीक है, और स्टार्ट विथ अ नंबर। ये नेम जो है ना कम्प्लीटली ये नंबर नहीं हो सकता। मैं नीचे ज़रा आके आपको यहाँ पे अलग से करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कि लेट और 312 इक्वल टू ठीक है। अब ये लाइन पूरी सही लिखी हुई है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल का जो नाम है ना, ये कम्प्लीटली नंबर पे बेस नहीं कर सकता, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं इस पर अगर लिखूँ ना कि नेम, तो ये एरर देखें बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन नेम की जगह मैं नंबर नहीं लिख सकता, या मैं ये भी नहीं कर सकता कि वन से शुरू नहीं कर सकता मैं, ठीक है। फर्स्ट नेम अगर मैंने रखना है तो मैं वन से शुरू नहीं कर सकता। हाँ, वन बीच में कहीं आ सकता है, ठीक है। वन या लास्ट में मैं लिख दूँ नम वन, या बीच में लिख दूँ, दैट इज़ परफेक्टली फाइन, लेकिन नंबर से शुरू नहीं हो सकता, ठीक है। और मिसाल के तौर पर अगर जैसे कोई भी मैंने नाम रखना है, 312 ये सब कुछ नाम रखना है मैंने, तो मुझे इसमें ज़रूरी है कि मैं शुरू में क्या लगा दूंगा, एक ये एक कैरेक्टर लगा दूँ। अब ये सही हो गया, ठीक है। कम्प्लीटली नंबर नहीं हो सकता ये, शुरू में एक कैरेक्टर आपको लाजमी चाहिए, उसके आगे भले आप नंबर लिखते रहें वो मसला नहीं है। तो ये हमने कुछ चीज़ें देखी लीगल इलीगल वाली। अच्छा, इट कैन नॉट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट का एक कीवर्ड हमने देखा लेट, तो वेरिएबल का नाम लेट नहीं हो सकता, सही है। लेट इज़ एन एरर, ठीक है। अगर आपको लेट लिखना ही है तो आप एल को कैपिटल कर दें, क्योंकि जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जो स्मॉल से लिखा हुआ है वो अलग है, जो कैपिटल से लिखा हुआ है वो अलग है, ठीक है। तो कैपिटल एल से जो लेट है वो कीवर्ड नहीं है, तो वो आप लिख सकते हैं। स्मॉल एल से जो लेट है वो कीवर्ड है, ठीक है। इसी तरह एक कीवर्ड है हमारे पास फॉर, तो फॉर के नाम से नहीं कर सकते आप, ठीक है। इसी तरह एक कीवर्ड है इफ़ के नाम से नहीं कर सकते। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं ना, उन नामों से आप नहीं बना सकते। आप एबीसी लिख दें, ठीक है, कोई कीवर्ड नहीं है एबीसी, ठीक है। अगर इफ़ आपने लिखना है तो इफ़ के आगे आप कुछ और भी चीज़ लिख दें, ठीक है। या फॉर लिखना है, ठीक है, फॉर ऐसे करके फॉर लिख दें आप, फॉर यूज़र, सही है। सिर्फ फॉर आप नहीं लिख सकते इसमें, ठीक है। सिर्फ फॉर लिखने से वो आपको अलाउ नहीं करेगा। अच्छा, और क्या है भाई इसमें, ठीक है। कह रहे हैं कि अलर्ट और वार जो है वो भी कीवर्ड है, तो उससे भी नहीं बना सकते आप। अ वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस, वेरिएबल के नाम में स्पेस नहीं हो सकता। मिसाल के तौर पे नेम है ना, मैंने कहा कि एन ए के बीच में एक स्पेस डाल दो, दिस इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। ये नहीं कर सकते आप, आपको स्पेस नहीं डालना, बगैर स्पेस के लिखना है। अच्छा, वेरिएबल नेम कैन कंटेन ओनली लेटर्स, नंबर्स, डॉलर साइन, अंडरस्कोर, ठीक है। इसमें वेरिएबल के नाम में क्या होगा, लेटर्स, लेटर्स का मतलब है कि ए से लेके जेड तक स्मॉल वाला, ए से लेके जेड तक कैपिटल वाला। नंबर्स मतलब 0 से लेके 9, और नंबर मैं इसमें लिख देता हूँ, सही है, नंबर हो गया। स्पेशल कैरेक्टर्स में सिर्फ दो ऐसे स्पेशल कैरेक्टर हैं जो इस्तेमाल हो सकते हैं, वो कौन कौन से, अंडरस्कोर और डॉलर। इसके अलावा कोई स्पेशल कैरेक्टर वेरिएबल के नाम में नहीं आ सकता, ठीक है। जैसे कि फुल स्टॉप नहीं आ सकता, देखो एरर दे दिया फ़ौरन, ठीक है। सेमी कॉलन वगैरह ये सब नहीं आ सकता, कोई ऐट द रेट नहीं आ सकता, एरर है ये, ठीक है। स्लैश, तो सिर्फ दो स्पेशल कैरेक्टर हैं जो वेरिएबल के नाम में आ सकते हैं, और वो दोनों यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, और कौन सा है भाई, दो द वेरिएबल नेम कैन नॉट बी एनी ऑफ जावास्क्रिप्ट कीवर्ड, इट कैन कंटेन कीवर्ड। हाँ, कह रहा है कीवर्ड अगर लिखना है तो आप उसके आगे या पीछे कुछ ऐड कर दो, आप सीधा सीधा नहीं लिखो। कैपिटल लेटर आर फाइन बट बी केयरफुल, कैपिटल लेटर से लिखा हुआ जो वेरिएबल है वो अलग है, और स्मॉल लेटर से लिखा हुआ जो रोज़ है वो अलग है, ठीक है। जैसे मैं दो वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, मैं एक को कहता हूँ कि रोज़,
इक्वल्स रेड, ठीक है, और मैं एक और लेट करके कैपिटल आर से बनाता हूँ रोज़, ठीक है। तो ये दो अलग अलग वेरिएबल हैं, आप देखें कोई एरर नहीं दे रहा मुझे ये, लेकिन जब मैं कैपिटल आर वाले को प्रिंट करूँगा तो ये प्रिंट होगा, और जब स्मॉल आर वाले को करूँगा तो ये होगा। इवन दो अब मैं एक और तीसरा भी बना देता हूँ जिसमें क्या होगा, आर और ओ दोनों कैपिटल होगा, तो ये एक तीसरा वेरिएबल है अब, सही है, ये तीसरा वेरिएबल है। ये तीन अलग अलग वेरिएबल हैं, ठीक है, क्योंकि केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट। बल्कि आज तक मैं जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मैंने देखी हैं वो तमाम की तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव ही होती हैं असल में, ठीक है। तो बाई नेचर ज़्यादातर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब ये है कि आपका जो जिस लेटर जिस कोई कैपिटल से लिखा हुआ है तो वो कैपिटल से ही एक्सेस होगा, स्मॉल से लिखा हुआ है तो स्मॉल से ही एक्सेस होगा, ठीक है। इसी तरीके से जैसे आप लेट है ना, लेट से बनता है ना वेरिएबल, तो लेट स्मॉल एल से ही आपको लेट लिखना है, आप कैपिटल एल से लेट नहीं लिख सकते, ये एरर हो जाएगा, ठीक है। तो केस सेंसिटिव आपको समझ में आ गया क्या चीज़ होती है। अच्छा, कैमल केस आप यूज़ करेंगे इसके अंदर ना, नेमिंग कन्वेंशन जो है वो कैमल केस है। मिसाल के तौर पे जैसे आप देखें मैंने लिखा ना यूज़र और नेम, तो इस तरह जब जहाँ पे भी दो वर्ड आ जाएंगे ना, वेरिएबल का नाम ना आमतौर पे आपको रखना चाहिए डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है कि जैसे मैंने कहा एज इनपुट लेनी है मैंने, तो मैं एज भी लिख सकता हूँ, लेकिन बेहतर यह है कि मैं लिखूँ यूज़र एज, सही है, कि किसकी एज है। मिसाल के तौर पर आपके पास जैसे इमेजिन कर लें आप के हॉस्पिटल है, ठीक है, तो हॉस्पिटल के अंदर अगर कोई सॉफ्टवेयर बन रहा है तो उसमें पेशेंट भी है, डॉक्टर भी है, स्टाफ भी है, तीनों हैं, सही है। तो एज आप किसकी ले रहे हैं, कि पेशेंट की एज ले रहे हैं आप, या क्या कहते हैं स्टाफ में से किसी की आप एज ले रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ गोइंग टू डिपेंड कि भाई किसकी एज है ये। तो आप जब एज का वेरिएबल बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर ये है कि आप क्या करें, सिर्फ एज ना लिखें, उससे फिर बाद में कन्फ्यूजन होती है यार ये किसकी। तो आप हमेशा दो या तीन कैरेक्टर डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं आप, ठीक है। तो या पेशेंट अगर कोई चाइल्ड है तो आप चाइल्ड एज के नाम से बना सकते हैं। तो जहाँ पे भी दो वर्ड्स आ जाएंगे तो दूसरा जो वर्ड होगा ना उसका पहला जो लेटर होगा वो कैपिटल होगा, ठीक है, मिन, सही है, फाइव, ठीक है। तो मैंने देखें वेरिएबल का नाम लिखा है यूज़र एज और मिन, मिनिमम मिन फॉर मिनिमम, राइट। तो मैं दो या तीन वर्ड लिखने की कोशिश करता हूँ वेरिएबल के नाम में, वेरिएबल का नाम डिस्क्रिप्टिव होना ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए हमें कैमल केस का ये नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल होता है। कन्वेंशन क्या चीज़ होती है कि डेवलपर्स ने आपस में ये डिसाइड किया हुआ है, आप इसको फॉलो ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, इट्स परफेक्टली फाइन। लेकिन इसको फॉलो करने से क्या होता है कि आपस में डेवलपर्स को काफ़ी हेल्प आउट होता है, आपस में डेवलपर जो कम्युनिकेट करते हैं जब, या एक दूसरे का कोड जब देखते हैं तो उनको उसको देखने में रीडेबल रीडेबल रहता है, वो रीडेबिलिटी बढ़ जाती है उसकी, ठीक है। यहाँ पर भी इसने एक लिखकर बताया हुआ है एग्जांपल कि भाई अगर ना आप अगर ऐसे करके लिखते हैं ना तो रीडेबल रहता है ज़्यादा ये, ठीक है। इसी वाले को अगर पूरे को मैं स्मॉल में यहाँ पर लिख दूँ ना तो ये इतना रीडेबल नहीं रहेगा फिर, ठीक है। मैं अगर इसको सबको स्मॉल में कर दूँ, ठीक है, तो अब ये शायद उतना रीडेबल नहीं है जितना ये पहले था, ठीक है। इस पर अगर आप गौर करें तो आपको काफ़ी मुश्किल से ये पढ़ाई पढ़ने में आ रहा है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल जेड करके वापस उसको कैमल केस बना दूं, ठीक है, तो आप नोट करें ये अब पहले से ज़्यादा रीडेबल हो गया, जितना पहले था उससे ज़्यादा रीडेबल हो गया कैमल केस होने की वजह से, ठीक है जी। अच्छा, तो मेरा ख्याल है आज का हम जो टॉपिक है वो यहीं तक रखते हैं, हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया है आज। अच्छा, अब नेक्स्ट हम करेंगे कि मैथ के जो ऑपरेटर है ना, नंबर वाला जो वेरिएबल है, जाहिर है नंबर वाले वेरिएबल के साथ मैथ के ऑपरेशंस हो सकते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में ना ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि भाई नंबर के जो वेरिएबल्स हैं उसमें क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं नंबर के वेरिएबल में ना। तो वेरिएबल तो बनाना तो हमने अभी फ़िलहाल सीख लिया। अच्छा, तो यहाँ तक जो भी बात मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, इस पहले तो मैं कोड पुश कर देता हूँ गिटहब में, क्लास कोड, सही है, पुश, ये गिटहब में पुश हो गया, सही है। गिटहब में आप सब लोगों को पुश करना आता है कोड,
और जो भी आप असाइनमेंट बनाते हैं वो भी आप गिटहब में पुश करते हैं। अच्छा, अगर किसी को नहीं पता कि गिटहब में कहाँ पे कोड पुश करता हूँ मैं, तो आपने जाके लिखना है गूगल पे गिट हब और साथ में मेरा नाम लिख देना है, इंजमाम मलिक, एंटर। ठीक है, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा मेरा। सही है, खोल दिया मैंने। अच्छा, ये जो मेरी प्रोफाइल है, मैंने असल में अपना यूज़र नेम चेंज किया था, तो ये यहीं पे लिखा हुआ रहा है कि भाई दिस प्रोफाइल इज़ मूव टू अ न्यू लोकेशन। तो आपने जस्ट ये लिंक पे क्लिक कर देना है, तो आप वो नए वाले लोकेशन पे आप ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये मेरी प्रोफाइल पे आ चुका हूँ मैं, और रिपोजिटरीज़ पे जब मैं क्लिक करूँगा, तो क्योंकि मैंने अभी अभी इसमें कोड पुश किया है इसलिए टॉप पे आ रही है। ठीक है, लेकिन अगर ये टॉप पे नहीं भी आ रही हो तो आप जस्ट यहाँ पे जाके लिखेंगे कि B3 स्टैंड फॉर बैच 3, राइट, बैच 3 है आपका। तो या आप सिर्फ लिखेंगे यहाँ पे चैटबॉट, तो चैटबॉट से रिलेटेड जितनी भी रिपॉजिटरीज़ हैं मेरी, 22 रिपॉजिटरीज़ हैं टोटल, वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। तो उनमें से आप देख लीजिएगा कि ये बैच 3 आपका जो है वो कौन सा वाला है। इसमें आपने जाना है और जाके आपने यहाँ पे से इसको कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद गेट क्लोन, जैसे मैंने क्लास के शुरू में किया था आज, वैसे आपने कर लेना है। अगर किसी को प्रॉब्लम है गेट हब या गेट आपको समझ नहीं आया है, तो सबसे पहला जो लेक्चर था इस कोर्स का हमारा, उसमें मैंने गिट हब और गिट पढ़ाया था, वो जाकर आप देख लीजिएगा। तो उससे इंशाल्लाह आपको ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि गिट कैसे यूज़ होता है और हम क्यों इस पर इतनी इतनी तवज्जो दे रहे हैं गिट पे। अच्छा जी, अच्छा, जो कुछ मैंने अभी तक पढ़ाया है इससे मुतालिक, अगर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ वो पूछ ले, अदरवाइज़ फिर हम यहीं पर फिर एंड करते हैं क्लास को। जी हाफिज। सर ये CSS में कुछ मसला आ रहा है, मैं स्क्रीन शेयर करके दिखाऊँ आपको। ना, शेयर कर दो, शेयर कर दो।